हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लीनिंग ब्लॉग, और मैं आज करने वाली हूँ अपने रूम की क्लीनिंग और बाहर के हॉल की क्लीनिंग करूँगी। और आज मैंने ये ना कर्टन्स उतारूँगी, क्योंकि मुझे आज इनको ना वॉश करना है। और आज नहीं करूँगी, मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो इसके बाद मैं यहाँ पे ना इसको उतार रही थी और मेरे से ऐसे निकल नहीं रहे थे ये कर्टन्स, तो मैंने यहाँ पे ना चेयर रख के फिर निकालना शुरू किया यहाँ से। और आज मुझे एसी की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि मैं पूरे 15 दिन के बाद अपने एसी की क्लीनिंग करती हूँ, और जो भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, तो धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है, तो वो एसी के जाले में चली जाती है, तो उसको क्लीन करना पड़ता है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पे मैं ना बेड की ढो को भी साफ़ करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जाली जो है वो कर ली है क्लीन, इसकी सफाई कर दी है, तो अब मैं इसको ना लगा दूँगी। और अब ना मैं एसी लगाना बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि अभी ना मौसम चेंज हो चुका है काफ़ी, मतलब कि ठंड हो चुकी है थोड़ी सी। अब पंखा भी है जो, वो भी थोड़ा कम ही लगता है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे ना इसको साफ़ कर दिया है एसी को। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ, और अब मैं ना फ़ैन को क्लीन करूँगी। और फ़ैन भी हमारा जो मेन पार्ट है, जो इसको भी, इसके ऊपर भी धूल मिट्टी होती है, तो इसको भी मैं साफ़ करूँगी एक कपड़े की मदद से। और उसके बाद फ़ैन क्लीन करने के बाद मैं अभी अपनी जो है बेड की वो उसकी क्लीनिंग करूँगी, और ढो को ना अच्छे से साफ़ करूँगी। हम जब झाड़ू लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो धूल मिट्टी इसके ढो के ऊपर ही चली जाती है, उसके बाद ना कुछ अच्छा भी दिखाई नहीं देता है। और क्लीनिंग तो हम लेडीज़ को हमारे घर की साफ़ सफाई करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर से भी मैंने जो धूल मिट्टी थी ना उसको मैंने साफ़ किया है, और जहाँ पे बुफर है बुफर भी मैंने साफ़ कर लिया इनको भी। और ना मुझे 2-3 दिन से मतलब कि बुखार था, तो उसी वजह से ये देखिए धूल मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी उड़ती हुई, और मुझे थोड़ा सा फीवर था, उसी वजह से ना मैंने थोड़े दिन से एक्सरसाइज भी नहीं किया है, 2-3 दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, तो ये बुफर वगैरह लगा कर ही तो मैं एक्सरसाइज करती रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बेड है, बेड को भी मैं साफ़ कर दूँगी, यहाँ से भी धूल मिट्टी थी जो, मैं उसको हटा दूँगी, बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे आ गई है जो हमारी विंडो है, यहाँ पे विंडो भी है ना, आपने मैंने ब्लॉग में देखा होगा वीडियो में कि हमारे जो घर के बगल में है ना, वो हमारी जो वहाँ पे बगीचा है छोटा सा, तो वहीं से जो मतलब कि धूल मिट्टी आती है ना, तो जाली के चली जाती है जाली पे, और यहाँ पे भी थोड़े जाले वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी जाले लग गए थे मैंने, मतलब कि 2-3 दिन से मैं अगर मैं थोड़े डीप क्लीनिंग ना करूँ ना, तो जाले वगैरह तो लगते ही हैं, तो यहाँ से भी जाले वगैरह बहुत लगे हुए थे, तो मैंने वो भी झाड़ लिए, उसको भी साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। और ना अपने घर में क्लीनिंग तो रोज़ अच्छी लगती है, हर लेडीज़ को यही काम होता है कि अपने घर को वो क्लीन रखें अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे एलईडी है, एलईडी को भी मैं साफ़ करूँगी, यहाँ पर भी थोड़ी धूल मिट्टी थी काफ़ी, तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और आप सभी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी क्लीनिंग ब्लॉग कैसे लगते हैं। और यहाँ पे है जो डोर है, इसको भी मैं साफ़ करूँगी अच्छे से, और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी मैं, यहाँ पे झाड़ू निकालूंगी। और काफ़ी दिन से मेरा मन भी नहीं करता है कि क्लीनिंग करूं कि ना करूं, पर फिर भी आज हिम्मत करके मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग का ब्लॉग जो बनाया है। और बाहर ना कोई आवाज़ लगा रहा था, तो मैंने उनको ना आवाज़ लगाकर बताया था। और यहाँ पे मैं ना जो मेरी अलमीरा है उसके नीचे भी मैं झाड़ू लगाऊँगी अच्छे से, इसको निकाल दूँगी और जो भी होगी धूल मिट्टी। तो यहाँ पे सामने मैंने ना यहाँ पे रखी हुई है मनी प्लांट, मैंने ये बोतल में लगा रखी, क्योंकि मनी प्लांट मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, और मैंने ना यहाँ पे एक बोतल में अपने रूम में लगा रखी है, पता नहीं रूम में ये चलेगी भी कि नहीं चलेगी, लेकिन बट मुझे पसंद है, तो मैंने अपने रूम में रख लिया इसको। और जो फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं, गद्दे वगैरह लगा दिए यहाँ पर, और मैं बेडशीट भी यहाँ पर लगाऊँगी। और आप सभी मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ना बेडशीट है वो लगा दूँगी, और ये बेडशीट ना बहुत ही मतलब कि हैवी है थोड़ी, और ये हिलती भी नहीं है इधर उधर, तो इसको मुझे बहुत ही पसंद है ये वाली बेडशीट, और अच्छे से रहती है ये। और उसके बाद मैं यहाँ पर हॉल में आ गई हूँ, तो हॉल में यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ पर भी मैं जाले साफ़ करूँगी अच्छे से। जाले वगैरह ना देख के तो मन
ऐसे होता है ना कि ये जाले लग कैसे गए। रोज़ तो हम क्लीनिंग करते हैं लेकिन बट फिर भी यहाँ पे जो जाले वगैरह हैं वो लगते ही हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अच्छे से जाले जो हैं वो साफ़ करूँगी, उसके बाद यहाँ पर भी मैं साफ़ कर दूँगी सामने जो है, और जहाँ पे महादेव जी की पिक लगी हुई है हमने सीनरी लगा रखी है यहाँ पे, और यहाँ से भी मैं जाले अच्छे से साफ़ करूँगी। और आप सभी इंजॉय करो वीडियो को, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना फ्रेंड्स। और यहाँ पे फ़ैन है सामने, तो फ़ैन को भी मैं साफ़ करूँगी यहाँ से। और ये फ़ैन अब काफ़ी पुराना है, मुझे दादी जी ने बताया था कि ये फ़ैन हमारा बहुत ही पुराना है और अभी भी ये इतना अच्छी हवा देता ना, तो क्या बताएं। मतलब कि अगर हम इस ज़माने की कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो अगर हम फ़ैन खरीदेंगे ना तो वो थोड़ी देर ही चलता है, बट जो पुरानी चीज़ें हैं ना उनकी बहुत ही अच्छी चलती हैं। और ये फ़ैन काफ़ी पुराना है तो ये अच्छी हवा देता है अभी तक भी। और उसके बाद मैंने जो बेडशीट निकाल दी, क्योंकि बेडशीट मुझे सुबह कल धोनी है और अपनी तो मैंने चेंज की हुई थी, और कर्टन्स वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह हैं, तो ये मैं बेडशीट भी सुबह ही धो लूँ, वॉश कर लूँगी। और जहाँ से बेड के पीछे से भी मैं जो है वो धूल मिट्टी निकालूँगी अच्छे से, और बेड के नीचे भी अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। और स्टोर है ना, स्टोर की तो मैंने क्लीनिंग 2 दिन पहले ही क्लीनिंग की थी, वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। और दादी जी के रूम की भी मैंने क्लीनिंग आपके साथ नहीं शेयर की है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए अभी मैं ना झाड़ रही हूँ इनको, गद्दों को, और सोफ़े वगैरह है यहाँ पे, इसके भी क्योंकि मैंने वो निकाले थे ना जाले वगैरह, तो धूल मिट्टी इसके ऊपर चली गई थी, तो उसको भी मैं झाड़ दूँगी अच्छे से, अभी साफ़ करूँगी। उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी अपने रूम के सामने। तो ये देखिए मेरा सामने रूम दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा रूम है और साइड में दादी जी का रूम है, और साथ में ही हमारी किचन है। उसके बाद मैं सोफ़े के नीचे से भी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सोफ़े के नीचे हम ज़्यादा जैसे कि सब्ज़ी वगैरह हम काटते हैं ना, तो उसकी वो छिलके वगैरह वो नीचे गद्दे के नीचे चले जाते हैं सोफ़े के नीचे, तो उसको अच्छे से मैं इसको साफ़ करूँगी। और ये सोफ़े के पीछे से भी मैं निकालूँगी, क्योंकि मच्छर वगैरह आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, मच्छर से भी बहुत ही वायरल वगैरह बुखार हो रहे हैं, उसी वजह से भी मैंने आज क्लीनिंग की है। क्योंकि मच्छरों से अगर हमें सेफ़ रहना है ना, तो हमारे कोने कोने जो घर के हैं ना वो साफ़ होने चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल है, टेबल का जो मिरर है उसको भी साफ़ करूँगी मैं अच्छे से, और इसका कवर भी मैंने वॉश करना है सुबह, और सारे मतलब कि जितने भी क्लॉथ्स हैं वो मैं सुबह वॉश करूँगी। और थोड़े दिन के बाद ही हम कहीं जाने वाले हैं, और वो भी आपके साथ मैं ब्लॉग शेयर करूँगी ज़रूर फ्रेंड्स, और उसके बाद हम वहीं पर आपसे मिलेंगे। और ये देखिए मैं अभी मैंने ना अच्छे से इसको टेबल को क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ सामने हमारे सेकंड फ्लोर पे, मतलब कि हॉल में आ गई हूँ मैं यहाँ पे साइड में, और यहाँ से भी मैं जाले वगैरह जो वो साफ़ करूँगी। और ये देखिए सामने मेरी मनी प्लांट लगी हुई है, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फ्रेंड्स आपको मनी प्लांट कैसी लगी मेरी। और मुझे तो सच में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। मम्मा ने छत पर काफ़ी लगा रखी है, मम्मा ने तो टब में भी लगा रखी है, बहुत ही मतलब कि सुंदर लगती है देखने के भी, बहुत अच्छी लगती है। और मैंने भी यहाँ पे लगा दी है, और गमले में भी लगा रखी है मैंने, तो ये छोटी सी बाल्टी है इसमें भी लगा रखी है। और यहाँ पे अभी मैं झाड़ू निकालूँगी अच्छे से साफ़ करूँगी यहाँ से भी। और सामने मेरे चाची सास आ गए थे, वो मुझे पूछ रहे थे कि आज लगता है तुम क्लीनिंग कर रही हो, आज ब्लॉग भी शूट करोगी। मैंने बोला हाँ मैं आज ब्लॉग भी शूट करूँगी, साफ़ भी करूँगी। जैसे कि झाड़ू वगैरह मैंने जो लगा दिया है, अब मैंने मनी प्लांट में पानी डालूँगी इनको, तो इनको ना मैं पानी दिन में एक बार पानी देती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ मैं इनको, क्योंकि ये थोड़ा ना स्मेल सी होने लगती है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें पानी। और ये देखिए ये मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी है मेरी क्लीनिंग। और मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपको बोलते हैं बाय फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बाय।